नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत सब लोगों का जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव शो में रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक बार फिर एक स्पेशल शो लेके आया हूं जो इस समय हमने शुरू किया। नॉर्मली हमारा शो 5 बजे शुरू होता है रविवार को। आज का शो हमारा स्पेशल शो है, इसलिए हमने आज इसको 6 बजे शुरू किया। आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। और इसके साथ ही हम शुरुआत करते हैं रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हम आप सबकी जिंदगियों का हम सफर बनना चाहते हैं रेडियो वितस्ता के माध्यम से। ये लाइव शोज भी हम आपके पास लेके आते हैं। एक बार हम आपको याद कराते हैं कि रेडियो वितस्ता को भी सुनना है, जो कार्य सवेरे 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक तो करता है। अलग अलग प्रोग्राम्स हम देते हैं। कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता दूं। हर दिन हम सुबह 8 बजे राष्ट्रीय गान चलाते हैं। उसके साथ रेडियो वितस्ता का जो थीम है शुक्रिया जिंदगी, जो हमारे रेडियो वितस्ता के आत्मा कहे जाने वाले रमेश मराठा जी की आवाज में है, और जो उनकी सोच है, हम चाहते हैं कि उस सोच को हम समझे और उसको हम जिंदगी का अपना हिस्सा बना दें। आप वो सुन सकते हैं। उसके बाद हम 9 बजे हम रेडियो स्टोरीज पेश करते हैं जो हमारी जिंदगी के साथ जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है, एक पॉजिटिविटी का फील आता है। तो ये हमारी कोशिश है। और उसके बाद हमारी जो प्रोग्राम्स है वो पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित है, बॉलीवुड की सुनहरी यादें, और भी कई सारे कार्यक्रम है, जैसे कैंसर अवेयरनेस के ऊपर हमने प्रोग्राम्स दिए हैं वो हम चलाते हैं। और कश्मीरी ब्रॉडकास्ट स्पेशली रविवार को और बृहस्पतिवार को दिन के 2 बजे होता है। और कुछ और भी कार्यक्रम हैं जिनके साथ हम अपने रूट्स के साथ जुड़ते हैं। और मैं आपको यही कहूं यहाँ पे, क्योंकि जो हमारी पहचान है उस पहचान को हमें बचाए के रखना है, और उस पहचान से ही दुनिया में हमारी जान पहचान भी बनेगी। और हमें कभी भी अपने रूट्स को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। वही मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि रेडियो वितस्ता एक यूनिवर्सल रेडियो है। यूनिवर्सल रेडियो कहने का मतलब है कि ये कश्मीरी, हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, इवन बंगाली भी प्रसारित करता है। तो मेरी कोशिश है कि जितनी जगह मुझे अपनी कल्चर को, अपनी सभ्यता को चाहिए, वो मैं देने की कोशिश करता हूँ शुरू से ही। आप सबका एक बार फिर स्वागत। और आज का जो हमारा शो है, आज का हमारा शो बहुत ही अलग शो है। आज एक अलग अंदाज में इस लाइव शो को मैं पेश करूंगा। रोज मैं सवाल पूछता हूं और हमारे जितने भी मेहमान यहां पे आते हैं वो जवाब देते हैं। आज कुछ उससे उलट है, क्योंकि आज के मेहमान जो है उन्होंने आज तक सैकड़ों यानी 100 से ज्यादा लोगों से जवाब मांगे हैं, और हर सवाल का जवाब उन्होंने उनसे पाया है। और आज हम इस कार्यक्रम में, इस लाइव शो में उनसे पूछेंगे कि आप ये सवाल आप कहां से ले आती हैं, कहां से आप इन सवालों को तैयार करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक्सटेम्पोर करती है, जैसे मैंने तैयारी की है। मैं कभी कागज देख रहा हूं और मुझे नहीं लग रहा है कि वो कागज से देखती हैं, वो एक्सटेम्पोर करती है। ये मेरी आशा है, उम्मीद है। तो हम जब आगे चलेंगे तो उनसे जब मैं आपको रूबरू कराता हूं तो फिर हम ये सारी बात उनसे करेंगे। उनमें कितनी एनर्जी है, और आज भी वो इस समय हमसे जुड़ चुके हैं। और एक दिन में कभी 2 या 3 शोज भी ये करती हैं, लाइव शोज। बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारी तैयारी चाहिए और बहुत सारा समय चाहिए इन चीजों के लिए। उनसे हम बात करेंगे। ये रंगमंच की मंजी हुई कलाकार है, लेखिका है, एक्टर है, ब्रॉडकास्टर है और बहुत ही मशहूर मीडिया कम्युनिकेटर है। आज तक फेसबुक पे इन्होंने लॉकडाउन से एक लाइव शो स्टार्ट किया। उस लाइव शो का नाम इन्होंने रखा शख्सियत। जो मकसद था, मकसद यही था कि अलग अलग लोगों से हम मिलें और उनकी जो कामयाबियों, जो उनको कामयाबी मिली है उसका जो राज है, और वो राज बिना मेहनत के कभी भी नहीं होता। वो उस कंसेप्ट को इन्होंने बुना, और बुन के जब उन्होंने इसको चलाया लाइव शो को शख्सियत के नाम से, और मुझे गर्व है कि वो आज हमारे इस शो में जुड़ी हैं, जिन्होंने 100 से ज्यादा शोज किए और दूसरा सेशन भी शुरू किया, जिसका पहला शो
कल या परसों हुआ, और आज उसका दूसरा शो 4 बजे हुआ और तीसरा शो 8:30 बजे है। और बीच का टाइम जो उनका चाय पीने का या रेस्ट करने का टाइम था वो हमने लिया, हमने कहा कि आप हमारे साथ आइए और हमसे बातचीत करिए। जितने भी लोग हमसे जुड़ते हैं रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज पे, उनसे हम बात करेंगे। और मैं आज के मेहमान को आमंत्रण देता हूं कुछ लाइंस कहके, और वो ऐसे है, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ो, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ो, जो भी मन में है वो सपना ना तोड़ो, जो भी मन में है वो सपना ना तोड़ो, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए, सितारे छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि निरंतर हमें अपना काम करते रहना चाहिए। कहा जाता है कि अगर पानी की धार भी पत्थर पे गिरती है तो पत्थर का कुछ भी नहीं होता है, बट अगर वो निरंतर गिरते रहे तो कुछ समय के बाद हम उस पत्थर पर भी वो निशान दिखता है हमें। और इसके साथ ही मैं स्वागत कर रहा हूं आज के हमारे मेहमान आदरणीय, सब जानते हैं, काजल सूरी जी का। काजल सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, माई बहुत स्वागत यथ रेडियो वितस्ता की लाइव शो में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतनी शफकत का, इतना क्या कहूं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए मंच जो है, आप सारे विश्व को मंच दे चुकी हैं, हमारा सौभाग्य कि आपने ये समय निकाला और हमसे बात करने के लिए। और जितने भी हमारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे आपने अपने शो के माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी, जैसे हमने आज का भी शो सुना, उस विषय में हम बाद में बात करेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जब स्वयं आप इस शो में हो तो जितने भी एपिसोड्स आपने, 103 एपिसोड, 102 एपिसोड्स आपने किए हैं, मैं चाहूंगा कि उनका पूरा सार आज हमारे ऑडियंस को मिले, ताकि इसलिए हमने आपको आमंत्रण किया। आइए, हमारे साथ जुड़े हैं इस समय जम्मू से अशोक कुमार मोटा जी, हमारे साथ उषा किरण अरोड़ा जुड़ी हैं, और मेरी सिस्टर गिरजा भट्ट जम्मू से जुड़ी हैं। आप सबके साथ बात करने से पहले काजल जी के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूं। जम्मू कश्मीर के लेजेंडरी एक्टर डायरेक्टर श्री विजय सूरी जी और श्रीमती पूनम सूरी जी की सुपुत्री काजल सूरी जी बचपन से ही थिएटर और रंगमंच से जुड़ी हैं। विरासत में ही रंगमंच मिला, रंगमंच के माहौल में बड़ी हुई। इनके पिताजी विजय सूरी जी को जम्मू के पिता माँ भी कहा जाता है, और उससे वो, उस नाम से वो प्रख्यात है। बहुत बुलंद आवाज थी उनकी, जिस आवाज से उनको आज भी जाना जाता है। और 7 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड काजल सूरी जी को मिला है, अलग अलग किरदार निभाने पर। मैं भी काजल जी को फॉलो कर रहा हूं काफी समय से, और मुझे बहुत खुशी है इनको आपसे इंट्रोड्यूस करते हुए। कई नाटक निर्देशित किए, 2016 में विजय सूरी नेशनल थिएटर फेस्टिवल आयोजित किया, जो बखूबी सफल भी रहा और उसको निभाया। टीवी सीरियल्स, टीवी प्लेज, टेलीफिल्म्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो प्लेज, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, जर्नलिज्म, युवा जर्नलिस्ट अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। प्रेम का सुर, आस्था का संगीत, ललेश्वरी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, आकाशवाणी नेशनल अवार्ड से भी काजल सूरी जी को नवाजा जा चुका है। अगर मैं इनकी उपलब्धियां गिनाने रहूं तो हमारा शो उसके साथ ही खत्म होगा। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी की जानकारी मैं काजल जी से लूं, और आप लोगों के साथ हम रूबरू कराते हैं, क्योंकि जो पेज इनका है, जहां से इन्होंने 100 से ज्यादा लाइव शोज किए हैं, उस पेज का नाम भी रूबरू है। और रूबरू का मतलब है आमने सामने। हम आपका बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं काजल जी, और हम आगे की ओर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बात की शख्सियत के 100 एपिसोड्स की। शख्सियत को शुरू करने का मकसद ये था
कि जब मायूसी भरा एटमॉस्फेयर था बहुत ज्यादा, जब पूरा लॉकडाउन हो गया था, हम थिएटर करने वाले लोग जो मेरे साथ यंग परफॉर्मर्स जुड़े हुए हैं, और थिएटर एक कुलबुलाहट रहती है जो लाइव, जैसे लास्ट ईयर हमने बहुत काम किया, बहुत शोज किए, जी तो भले ही थिएटर में अगर हम कहें कि पैसा नहीं है, लेकिन उससे जो एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें सभी अलग अलग जॉब करने वाले लोग हैं, और हम शाम को अपना वक्त थिएटर की रिहर्सल्स में करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के वजह से वो बंद हो गया, और सबके मन में ये कुलबुलाहट हुई कि क्या करें, एक बड़ी मायूसी का एटमॉस्फेयर हो गया। तो तब तो हमने एक तब ये डिसाइड किया कि शॉर्ट फिल्म्स, कभी जितने भी यंग परफॉर्मर्स में से जुड़े हैं, शॉर्ट फिल्म्स नहीं की थी। तब हमने मंटो नामा के नाम से एक शॉर्ट फिल्म्स का एक सीरीज शुरू किया कि घर में जी बैठ के एक तरह से जितने भी यंग परफॉर्मर्स हैं रूबरू से जुड़े हुए, उनको एक अपनी तरह से सीख कर, कहते हैं ना, करत करत अभ्यास, और सीख के वो कर लेंगे, सीख लेंगे, सीखेंगे किस तरह से काम होता है। तो इसके अलावा जब मंटो नामा के 20-22 एपिसोड हो गए फिल्म्स के जो यूट्यूब पे हैं, देन जब वो खत्म होने लगा, तो ये डिसाइड किया कि शख्सियत के नाम से, कि जो जितने भी हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज आ रही हैं, उनकी जो इंस्पिरेशनल लाइफ की जर्नी है, उससे वो रूबरू हो जाए, जो यंग परफॉर्मर्स हैं हमारे, जो सेलिब्रिटीज की जो लाइफ की जर्नी रही है। तो एक तरह से ये एक वर्कशॉप की तरह है, क्योंकि इस वक्त सब बंद है, तो इंस्पिरेशन मिलेगी, जो मायूसी भरा एटमॉस्फेयर है उससे थोड़ी राहत मिलेगी। तो हमने ये शो शुरू किया, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं उन तक, जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी, क्योंकि कला एक साधना है और इसका जी रास्ता बहुत आसान नहीं है, देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन ग्लैमरस तो है, लेकिन इसके पीछे एक कड़ी मेहनत है। तो उस सफर को तय करके, उस जर्नी को तय करके एक कलाकार कहाँ पहुंचता है, तो ये सबके लिए, खास तौर पे जो नई जनरेशन है उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो उस शो को स्टार्ट करने का मकसद यही था। तो मैं और इतनी मोहब्बत मिली सबकी, और इतने एक से बढ़कर एक कलाकार आए इसमें, जिसमें पद्मश्री रहे, पद्म विभूषण रहे, नेशनल अवार्डी रहे, साहित्य कला अवार्डी रहे, संगीत नाटक अकादमी से जुड़े हुए संगीत नाटक अवार्डी रहे, और उस तरह के बेहद, क्योंकि ठीक है, जो इनाम होता है, पुरस्कार होता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन जरूरी नहीं हर किसी को पुरस्कार मिले। तो उस जिनको नहीं मिला, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेहतरीन कलाकार नहीं। तो हर फील्ड में, परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए हर फील्ड के कलाकार आए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, हर तरह के कलाकार यहाँ आए और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की यंग जो परफॉर्मर्स हैं उनके साथ। काजल जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं। और खास करके लॉकडाउन का एक ऐसा समय था, अगर हमने उसका सदुपयोग ना किया होता तो शायद जो रिजल्ट्स है वो विपरीत होते। आपने सही समय पर लोगों को एंगेज किया, उनको कुछ अच्छा सोचने का मौका दिया। और ऐसा कहा जाता है कि इस विश्व में जितना भी हम पॉजिटिविटी को फैलाएं उतना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने बिल्कुल आपके मैक्सिमम शोज देखे हैं, कुछ के मैंने आज नोट भी किए हैं, उस विषय में हम बात भी करेंगे, जिसमें काजल जी सिर्फ चुपचाप एक्सप्रेशन देके ही सुन के अपने मन में उस बात को उतार दी कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए। वो मैं आज आपसे पूछूंगा। और मैं एक बार फिर सब लोगों का यहाँ पे स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे साथ विनीता ठाकुर जुड़ी हैं, मीर मुख्तार अहमद जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं काजल जी ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ थिएटर। और हमारे साथ जुड़े हैं उजैर हसन और हमारे रेडियो वितस्ता के प्रोग्राम इंचार्ज नरेश शर्मा जी। वो कहते हैं काजल जी रेडियो वितस्ता पर आपका स्वागत है, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया विनीता जी को, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी, खुद एक बहुत बड़ी ब्रॉडकास्टर हैं वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी हमारे साथ यहाँ पे आने के लिए और स्ट्रेंथ देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उजैर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उर्दू अकेडमी का एक नाम है, उर्दू अकेडमी से उनका ताल्लुक है। बहुत जी बहुत शुक्रिया उजैर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैं सबका अभिनंदन एक बार फिर करता हूँ, विनीता जी का और सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और मैं खुश नसीब हूं कि आज मेरी मुलाकात आपसे हो रही है इस शो के माध्यम से। काजल जी, मेरा पहला जो एपिसोड जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है आपसे करना है, वो शख्सियत लाइव शो के बारे में ही है। 100 एपिसोड्स दुनिया से बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी लाइफ जर्नीज आपने लोगों के साथ साझा की, क्या अनुभव रहा, कितनी संतुष्टि मिली?
अनुभव बहुत खूबसूरत रहा, जिसको शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि मैंने कहा कि कला का रास्ता बहुत आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है और देखने में बहुत ग्लैमरस लगता है कि नहीं, बहुत रास्ता बहुत ग्लैमरस है और बहुत मुश्किल नहीं होगा सफर। तो जितने लोगों ने हमसे यहाँ अपनी जर्नी शेयर की, 100 लोग, 100 सेलिब्रिटीज आई इस शो में, और एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत बेस्ट था और ये बहुत बेस्ट था, एक से बढ़कर एक शख्सियत यहाँ आई और उन्होंने जो अपनी जर्नी यहाँ शेयर की वो कमाल की थी। मैंने बहुत कुछ सीखा उनकी जर्नी से, मैं बहुत इंस्पायर हुई। जैसे आज की ही बात करते हैं, आज हमारे साथ गोविंद नामदेव साहब थे 6 बजे, कितनी जी इंस्पिरेशनल जर्नी रही। और सबकी जर्नी में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि अगर आप में अंदर, आपके अंदर डेडिकेशन हो, किसी काम को करने की ललक हो, एक पागलपन जो होता है, जनून होता है, जो पैशन होता है, अगर वो हो आपके लिए तो कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता। यू कैन डू वंडर्स अगर आप कुछ भी कर सको। उसका एक एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल गोविंद नामदेव जी हैं, जिनसे अभी 4 बजे मेरी बात हुई, जो उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की, वो अपने आप में एक कमाल की बात है। उसी तरह हमारे शो में प्रतिमा कानन जी आई, जी किरण सहगल जी आई, जोहरा सहगल जी की डॉटर, एक से बढ़कर एक शख्सियत। नलिनी कमलनी जिन्होंने मानसरोवर पर, जब वहां पे उन्होंने एक नृत्य किया, और मानसरोवर पर नृत्य करना बहुत आसान जी नहीं है। जी जितनी भी, क्योंकि 100 शख्सियतें हैं और सबके नाम लेना बहुत मुश्किल है, तो लेकिन सबकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही। मैं फिर से कहूंगी कि मैंने उनसे बहुत सीखा, बहुत सीखा। जैसे हमारे जम्मू के जो लोग हैं, क्योंकि जम्मू में बहुत टैलेंट है, और जम्मू के लोग जो एक से बढ़कर एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो सबकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल रही और सबको मिलाई। और अभी कल से हमारा सीजन 2 शुरू हुआ है, जिसमें कल फर्स्ट एपिसोड था, जिसमें हमारे साथ लेजेंडरी एक्ट्रेस थी रिग्टा जलाली, आज गोविंद नामदेव जी जी थे, और रात को 8:30 बजे आज हमारे साथ पद्मश्री प्रोफेसर विदुषी रीटा गांगुली जी होंगी। तो ये तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिनसे हमको सीखने को बहुत मिलता है, और हमारे जी साथ जो नई नई जनरेशन है उनको सीखने को कितना मिलता होगा। काजल जी, यहां मैं दो कमेंट्स जरूर लेना चाहूंगा। वो ये है कि नरेश जी कह रहे हैं कि काजल जी, क्या कुछ कहने के लिए कुछ बोलना जरूरी होता है क्या? नहीं, साइलेंस स्पीक्स, साइलेंस इज द लाउडेस्ट क्राई, साइलेंस इज द लाउडेस्ट क्राई। तो मुझे नहीं लगता कि आपको जरूर अल्फाजों को, आप लफ्जों को जबान देने की जरूरत पड़ती है, बाज़ूकात नहीं पड़ती आपको लफ्जों को जबान देने की जरूरत, मुझे नहीं लगता। इसके साथ हमारा दूसरा जो कमेंट है वो रेडियो वितस्ता की आत्मा कहे जाने वाले रमेश मराठा जी हैं। वो कह रहे हैं कि अ वंडरफुल एक्टर काजल जी, अ ग्रेसफुल वॉइस ऑफ रेडियो, आई डिड सो मेनी प्लेज विद हिज ग्रेट फादर व्हेन ही वाज ओनली 19 ईयर्स एट रेडियो श्रीनगर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया। हमें रमेश मराठा जी का आशीर्वाद हासिल है और मैं हर दिन सवेरे से शाम इनको ये कहता हूं कि आप अपना आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखें, और हमारे रेडियो वितस्ता की अगर पहचान हुई वो रमेश मराठा जी की आवाज से हुई। हम आगे की ओर चलते हैं। रमेश मराठा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नरेश जी और हमारे साथ निशा सेमवल जुड़ी हैं, वो काजल जी, यू आर ग्रेट, यू आर डूइंग ए बहुत गुड जॉब। शुक्रिया। जी, और आप हमसे जुड़े तो हम आगे लेकिन मैं की। निशा जी को ये कहना चाहूंगी, यहाँ पे जी मैं जी जॉब जी नहीं करी, यहाँ पे मैं एज गेस्ट आई हूँ और मुझे भारत जी ने बुलाया है यहाँ पे एज गेस्ट। जी तभी मैंने शुरू में कहा कि जो सारे विश्व को क्वेश्चन पूछ के एनर्जी लेके आती हैं, तो आज मैंने ये देखना है कि मैं यही पूछूं कि कहाँ से आपके ये जो एनर्जी है उसका राज क्या है, उस पर भी हम जाएंगे। आपसे पूछना चाहूंगा, थिएटर रंगमंच, 3 साल की उम्र और डायरेक्टर बनना है, ये मैंने सुना है कि 3 साल की उम्र में आपने सुना कि डायरेक्टर होता है, तो मन में सोचा कि डायरेक्टर बनना है। इस सफर को हमारे दर्शकों से थोड़ा विस्तार में साझा करें कि 3 साल की उम्र में जब आपने सुना कि डायरेक्टर होता है जो ये सब कुछ करता है, तो उसी समय मन में ये ठान लिया कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है। मैं सही हूं? यहाँ नहीं, आप सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा मुझे डायरेक्टर बनना है। मैं कोई भी काम करती हूँ ये सोच के नहीं करती हूँ कि मुझे ये करना है, और उसके बाद मुझे ये सोच के करती हूँ कि काम करना, बट ये नहीं सोचती कि ये काम करके मुझे ये चीज मिलेगी। वो मैं हमेशा से कहती हूँ, मैं गीता का एक श्लोक है जिसको मैं बहुत शिद्दत से उसको मानती हूँ कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। ये मेरा फेवरेट श्लोक है गीता का। तो मैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने जब शख्सियत शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि ये शख्सियत इतना, इसका मकबूलियत मिलेगी, इसको
और मैं इसके 100 एपिसोड्स करूंगी, मैंने ये कभी नहीं सोचा था, और मैं बस किया ये। और जब मैं 3 साल की थी, जब पापा को जरूरत थी एक छोटे बच्चे की, तो उनके साथ जब मैंने काम किया, उसके बाद थिएटर का सिलसिला शुरू चलता रहा। फिर मैं कश्मीर से, फिर हम जम्मू में आए, जम्मू में मैंने कॉलेज किया, फिर यूनिवर्सिटी की, फिर हमने वहाँ शिवानी कल्चर सोसाइटी ज्वाइन किया। तो ये जो ये कारवा था थिएटर का सफर, ये चलता रहा, लेकिन बिना किसी उसे की एक जनून था मेरे अंदर कि मुझे थिएटर करना है। एक मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी, वो सेटिस्फेक्शन मिल रही थी मुझे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं थिएटर करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। थिएटर आपको अनजाने में बहुत कुछ दे देता है, बहुत कुछ दे देता है आपको। एक एक जीवन जीने का जो सलीका, जिसको सही मायने में कहीं, वो सिखा देता है आपको। एक संपूर्ण इंसान बना देता है थिएटर आपको, और आपका सोच, आपका नजरिया बदल देता है। तो बस मैं थिएटर करती रही, और साथ में मेरे दूरदर्शन के, जो श्रीनगर दूरदर्शन के साथ जो मेरा रापता रहा, मेरा सीरियल चलते रहे, बहुत सारे सीरियल्स किए, बहुत सारे सीरियल्स यहाँ प्रोड्यूस किए, यहाँ डायरेक्ट किए मैंने सीरियल्स। पापा के साथ साथ ही थी, और मम्मी भी मेरे काम करती थी सीरियल्स में, उनके उन्होंने बहुत सारे सीरियल्स प्रोड्यूस किए, टेलीफिल्म प्रोड्यूस किए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मैं एक सीरियल कर रही थी, चंबा में शूट हो रहा था, कश्मीर में उन दिनों हालात ठीक नहीं थे, चंबा में जी शूट हो रहा था, लालजू एंड सन्स करके एक सीरियल है, बहुत ही खूबसूरत सीरियल था वो। तो उसमें मेरा मेन रोल था, उसमें निर्मला जी भी थी, निर्मला धर जी जो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और उसमें इसके साथ में मेरे पापा थे उसमें, और जम्मू के बहुत सारे लोग थे, शब्बीर हैदर साहब का वो सीरियल था। तो जब मैंने वो सीरियल किया, तो लास्ट के 2-3 उसके दिन बचे हुए थे, तो उसमें मुझे पापा मेरा एक लेटर लेकर आए कि तुम्हारा लेटर है। और जब मैंने लेटर खोल के देखा, तो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था आकाशवाणी दिल्ली का। और उस मुझे ये याद रहेगा कि मुझे उस सीरियल के दौरान मेरे हाथ में आकाशवाणी दिल्ली का वो अपॉइंटमेंट लेटर आया। जहां जी पे आप कार्यरत अब हैं, जी जी इसलिए हमने बिल्कुल आपके इंट्रोडक्शन में ब्रॉडकास्टर कहा। और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहां पे आप अपना दायित्व निभा रही हैं। और वो कहीं ना कहीं जो आपकी मन की इच्छा है, जैसे आपने थिएटर की बात की या आर्ट के कई भी किसी भी फॉर्म की बात आपने की, तो उसके साथ वो जुड़ा है। जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है टू द नेशन, वो आप इस समय वहां पे दे रही हैं। और आप लेखिका हैं, आप नाटक लिखती हैं, जर्नलिज्म में भी आपको यंगेस्ट अवार्ड मिला है, यंगेस्ट जर्नलिज्म जर्नलिस्ट का अवार्ड आपको मिला है, आप थिएटर करती हैं, और क्या करना बाकी रह गया? कुछ भी क्रिएटिव जो मुझे सेटिस्फाई करे, क्योंकि क्रिएटिव चीजें आपको बहुत सेटिस्फाई करती हैं। और थिएटर जो है, थिएटर के लिए तो मैं खास तौर पर कहूंगी इट्स माय ऑक्सीजन। जब मैं दिल्ली आई, दिल्ली आने से पहले आई वाज एम्पैनल प्रोड्यूसर फॉर दूरदर्शन। तो ओके जब मुझे, मैं दिल्ली आई, और जब मैंने यहाँ पे आकाशवाणी दिल्ली में मुझे जब नौकरी मिली, उससे पहले जम्मू में बहुत थिएटर किया हम लोग। बिल्लू मंदिर है जम्मू में, वहाँ सुबह सुबह हम 5 बजे, क्योंकि ड्रामा फेस्टिवल में हमारे शोज होते थे, तो हम लोग सुबह 5 बजे, जम्मू की ठंड में हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकलते थे, 6 बजे हम बिल्लू मंदिर पहुंचते थे, वहाँ वो जो उसका वहाँ पे आंगन था उसकी सफाई करते थे, पोचे लगाते थे, उसके बाद हम पूजा वूजा करके रिहर्सल शुरू करते थे, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी अपने काम में चले जाते थे। मुझे 8 बार मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, 7 बार, एक काफी कम ओके okay, मैं मिला एक ऐड कर देता हूँ। अरे मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगी, तो मैं जर्नलिज्म, मैंने भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म किया। मैंने अगर स्टडीज की मैं बात करूँ, तो मैंने मास्टर एमएससी होम साइंस की, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी से की, उसका एक पार्ट था ह्यूमन डेवलपमेंट, जिससे पूरा मेडिकल की पढ़ाई ऑलमोस्ट वैसी ही थी, तो इट वाज वेरी टफ, लेकिन थिएटर का जुनून नहीं छूटा मुझसे। मैं हम सुबह थिएटर, क्योंकि यूनिवर्सिटी एक बार चले जाते थे तो हमारा कोई टाइम नहीं होता था कि कब वापस आए, क्योंकि बहुत टफ था हमारा। एंड पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी हमको। तो उसके बाद मैंने बीएड की, फिर मैंने भारतीय विद्या भवन से जर्नलिज्म किया, तो थिएटर तो चलता ही रहा, लेकिन सुबह का टाइम थिएटर होता था। फिर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में कल्चर सेक्रेटरी भी रही, बहुत काम किया, फिर अवार्ड मिले। जब मैं जम्मू आई, दिल्ली आई, दिल्ली में जब मैं आई, तो मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि थिएटर एक ऐसी चीज, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, लेकिन क्योंकि एमपैनल प्रोड्यूसर में रही थी, अब मैं जॉब में आ गई थी, तो मैं नहीं कर सकती थी वाला काम, सीरियल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी, क्योंकि मैं अब एक गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में थी, तो वो सब कुछ तो मेरा छूट गया। लेकिन थिएटर तो आप कर सकते हो, क्योंकि थिएटर में तो ऑलरेडी आपका एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन, और ये इससे आपको कुछ सिवाय आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसके अलावा आपको पैसों खर्च से तो कुछ नहीं मिलता, तो वो चीज मेरे अंदर रही। तो
तो मैंने उन दिनों, मैं किसी को नहीं जानती थी, तो मैंने यहाँ पे मास्टर्स स्टार्ट किया। दूसरा, जैसे जम्मू से तो मैं एमएससी करके आई थी, यहाँ पे मैंने मास्टर्स किया मास कम्युनिकेशन में। मास कम्युनिकेशन करने के बाद मैंने यहाँ पीएचडी ज्वाइन किया, और पीएचडी के सिनॉप्सिस तक मैं पहुंच गई। लेकिन उसके बाद मुझे थिएटर की लाइन मिल गई यहाँ पे। मुझे याद है कि मुझे किसी ने इप्टा में अजीज कुरैशी सर, एक बहुत बड़ा नाम है थिएटर की जी दुनिया में, उनसे मिलवाया इप्टा में। और उसके बाद मेरा इप्टा में मैंने बहुत शोज किए, बहुत शोज किए, ऑल ओवर इंडिया में शोज किए, कमाल के शोज किए, हर जगह शोज किए, और बहुत सीखा। इप्टा वॉज लाइक माई फैमिली। कुरैशी सर लाइक जैसे फादर फिगर होते हैं। जी बहुत, मैं यहाँ हॉस्टल में रहती थी, और बहुत बहुत प्यार मिला मुझे इप्टा से। एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी, मैं इंसिडेंट अक्सर सुनाती हूँ नहीं, कि उसे हमें आपको समझने में आसानी होगी, और जितने भी लोग हमसे जुड़े वो भी प्रेरित उन चीजों से हो जाएंगे। प्लीज मैं ये सुनाना चाह रही हूँ कि मैं हम लोग सुबह के टाइम, हम लोगों के इतना काम किया कि हम लोग दिन में ट्रेवल करते थे, शाम को शोज करते थे। दिन में ट्रेवल, शाम को शोज, और वो एक पागलपन होता था शोज करने का, नाटक करने का। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अपने आप में, और वहाँ पे जश्न सर सैयद, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है उस यूनिवर्सिटी का। और जी वहाँ पे कैनेडी ऑडिटोरियम है, जहाँ पे 2000 की कैपेसिटी का ऑडिटोरियम है, वो बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम है। वहाँ हमारा एक शो, उसी फेस्टिवल में हमारा एक शो लगना था, जिस इसमें चुपते की स्टोरी थी दोजख, उसको जो ड्रामेटाइज किया था अजीज कुरैशी सर ने, उसमें दो बूढ़ियों की कहानी थी। एक मैं थी, 90-95 इयर्स का एज ग्रुप, और एक शोभना भारद्वाज, बहुत कमाल की एक्ट्रेस हैं वो। तो हम दोनों ने करना था, बाकी टीम थी। तो जब हम अलीगढ़ पहुंचे तो हमें पता चला कि एक दिन पहले नसीरुद्दीन साहब यहाँ शो करके गए हैं, और उनका कमाल का शो गया था वहाँ पे, कमाल का। और जी जो ऑडियंस में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और ये भी पता चला कि उससे पहले कुछ शोज गए थे, तो उन्होंने स्टूडेंट्स से बहुत होटिंग की थी। तो हम लोग डर गए, हमें, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं कह सकते कि हम प्रोफेशनल एक्टर, हम तो अमेच्योर हैं, हम तो शौक के लिए, हॉबीज के लिए, हॉबी के लिए हम काम करते हैं, हम प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते अपने आप को। लेकिन शिद्दत वही है, डेडिकेशन वही है, पागलपन जो है वो वही है। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। खैर, हम लोगों ने जब शो किया, पूरा ऑडिटोरियम फुल था, और 2-2.5 घंटे का शो था। पिन ड्रॉप साइलेंस रही है पूरे 2-2.5 घंटे। और हम डर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम भूल गए। जब शो खत्म हुआ तो पूरे के पूरे स्टूडेंट्स ने खड़े होकर हमें स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और क्लैपिंग वाह हुई इतनी कि मैं और मेरी फ्रेंड जो शोभना, जो मेरे साथ करेक्टर कर रही थी, सलमा बेगम का, मैं बानो बेगम थी, हम दोनों ने एक दूसरे को हग किया, एंड वी स्टार्टेड क्राइंग। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और एक इंसिडेंट और है कि हम इंडिया हैबिटेट सेंटर में शो कर रहे थे गालिब, तो उसमें मेरा करेक्टर था कि मुझे उसमें बहुत इमोशनल करेक्टर था मेरा उसमें। और उसमें करेक्टर में जब मैं सीन करते 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 मैं जब पीक पे पहुंचती हूँ, और जब मैं रोती हूँ, लाइट चली गई और मुझे कोई होश नहीं, जबकि बात सही नहीं होती, मुझे कोई होश नहीं, मैं वहीं बैठी रही। उसके बाद मुझे खींच के दूसरी जगह लाया गया। आई वॉज नॉट काजल, आई वॉज इन दैट करेक्टर। लिटरली मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे गए और मुझे वापस लाया गया कि व्हाट आर यू डूइंग। ये एक कम हालांकि सही से बात कम आप नहीं है। किरदार से आप बाहर आ जाइए, और अब हाँ प्ले खत्म हो चुका है। पर हाँ यहाँ मैं इसको भी एक तरीके से, क्योंकि मैं भी यहाँ पर थिएटर की एक्टिविटी करता हूँ, थोड़ा बहुत थिएटर की जानकारी मुझे है। नो जॉब करने के साथ साथ मैं इसको पढ़ नहीं पाया, पर जितना मैंने सीखा है जिंदगी में, उस जी हिसाब से जी हम कोशिश करते हैं कि हम अगर खुद नहीं ज्यादा अच्छा कर पाए तो हम अपने जो आसपास के बच्चे हैं उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। और अभी तक वह थिएटर ग्रुप जो हमारा रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसका रेडियो वितस्ता हिस्सा है, तो उसके अंतर्गत अभी तक हमने तकरीबन 160 बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है पिछले 7 साल में। और उसमें एक जो स्टूडेंट है हमारा, जो यहाँ से थिएटर करके चला गया, वो जी टीवी के गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीरियल में भी वो परफॉर्म कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी सीमा कोई भी नहीं होती है। मैं आपकी बात पे आता हूं, जो करेक्टर वाली बात है कि आप जब उस किरदार में घुसे और उससे ना निकलना या उससे देरी से निकलना, वो आपकी काबिलियत शो करता है यहाँ नॉर्मली। मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं विक्रम शर्मा हैं, जम्मू में एक बहुत हाँ बड़े थिएटरिस्ट हैं और जी राइटर भी हैं। मैं जी दिल्ली जी में जब आई तो मुझे एक कुलबुलाहट थी, क्यों, मैं क्योंकि किसी को नहीं जानती थी, यहाँ नई नई आई थी। तो स्टडीज दोबारा से मैंने रिज्यूम कर ली, मास्टर्स अगेन आई स्टार्टेड, कि मैं कुछ नहीं कर रही तो स्टडीज ही दोबारा एमए कर लेती, दोबारा डबल दूसरा एमए कर लेती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ। उन्होंने, ड्रामा फेस्टिवल आने वाला था, उन्होंने मुझे अपनी एक स्क्रिप्ट भेजी, पूर्ण विराम करके स्क्रिप्ट, बहुत टफ जी स्क्रिप्ट।
थे, बहुत टफ स्क्रिप्ट थी, और वो एक स्किजोफ्रेनिक लेडी का करेक्टर था। तो ओके okay. उस स्क्रिप्ट को मैंने पढ़ा, पढ़ना शुरू किया एक बार दो बार, उस स्क्रिप्ट को मैंने बस अंदर लेना शुरू कर दिया उसको, और मैं बिहेव करने लगी घर में दिल्ली में उसी करेक्टर को लेकर, वैसा ही बिहेव करने लगी, और जी मुझे जी नहीं पता अनजाने में मैं बिहेव करने लगी वैसे ही। जब दिल्ली जम्मू गए, हम 10 दिन की रिहर्सल थी, 10 दिन की रिहर्सल में तो शायद 1-2 घंटे की रिहर्सल में पता नहीं चलता, लेकिन वो अंदर मेरे अंदर घुस चुका था वो करेक्टर। वो हमने मैंने वो करेक्टर किया, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। दिल्ली आ गई तो बाद में पता चला कि मुझे उस करेक्टर के लिए भी बेस्ट एक्ट्रेस का, वो मेरा 8th था अवार्ड, उस करेक्टर के जी लिए भी मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लेकिन उस करेक्टर से बाहर निकलने में मुझे काफी, अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे गूज़बम्प्स हो जाते हैं, वो ऐसा करेक्टर था और बहुत टफ करेक्टर था वो। तो जिंदगी में इन चीजों को जब हम शिद्दत से कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई जो उसकी छाप होती है, जो उसका असर है, वो हमारी जिंदगी पे पड़ता है। मुझे लग रहा है कि जी ये संवेदनशीलता जब हमारे में है तो तभी हम अच्छे अदाकार बनते हैं, अदाकारा बनती हैं। बिल्कुल तो जरूरी है वो चीज, नहीं तो अगर हमने सिर्फ ऊपर ऊपर से करेक्टर को पढ़ा और डिलीवर कर दिया तो शायद लोग उसको रजिस्टर नहीं करते हैं। जैसे आज नामदेव जी ने कहा, वो कहते हैं कि जो करना है पहले देखें क्या आप कर यस सकते हैं, यस तो ही पूरा विश्वास के साथ आप अगला कदम बढ़ाएं। और ये मैंने बिल्कुल इसलिए सही, गोविंद नामदेव जी का नोट किया इसलिए क्योंकि ये हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, उन्होंने कहा कि मैं जब तक नंबर 1 नहीं आता तब तक मैं अगला कदम उठाता नहीं था। तो ये बिल्कुल हमारे बच्चों में आज के डेट में, मैं ये मानता हूं कि युवा हमारे पास भी आते हैं, हमारे ग्रुप में भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी होती है, 2 प्लेयर्स कर दिए और उसके बाद उनको लगता है कि बस अब यस हमारी मुंबई यस इंतजार कर रही है। उनको वो जो शो है वो देखना चाहिए था, जिनको जिन्होंने नहीं देखा हम शेयर करेंगे उस लिंक को ताकि वो उससे समझे। हम आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपको अगले शो की भी तैयारी करनी है, जो बहुत जरूरी बिंदु है, मैं सिर्फ वही उससे पूछूंगा। और आज मेरे मन में खुशी है कि मैंने उस व्यक्ति उस महानुभव ने या उस व्यक्ति से बात की कि जिन्होंने पूरे विश्व को क्वेश्चन किए। कहीं मैंने पढ़ा है कि जनून के लिए जुनून चाहिए, यस वही बात यस आपने की। और यस उसके साथ ही जुड़ा एक सवाल है कि जब भी आप काम करती हैं, ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी जिम्मेदारियां नहीं है, आप वो जिम्मेदारियां भी निभाती हैं और यहां पर भी आप काम करती है, आप अपना जॉब भी करती हैं और चेहरे पे आपके स्माइल होती है। शायद ये हर एक पे नहीं होती है, जैसे मैंने कहा एक्सप्रेशन से आप सब कुछ बताती हैं। और इससे संबंधित जुड़ा मैं प्रश्न करना चाहूंगा रेडियो प्लेज के बारे में। आपको पता है कि पिछले 1.5 साल से हम भी यहाँ पे थिएटर नहीं कर पाए क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम टीम मेंबर्स को बुलाएं फिर रिहर्सल करें, क्योंकि अभी अलाउड नहीं है जहां पे हम रिहर्सल करते हैं। तो मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स लिए हैं जो रेडियो प्लेज के लिए मैं छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के तैयार कर रहा हूँ, जिसमें 3 या 4 करेक्टर है, ताकि हम स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड करें और रेडियो पे इस प्लेस को चलाएं ताकि थिएटर की एक्टिविटी हम जारी रखें। इसके साथ जुड़ा क्वेश्चन एक मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे मेरे लिए, ताकि मैं भी कुछ सीख सकूं आपसे। रेडियो प्ले किस तरह से इफेक्टिव बनता है? प्रेजेंटेशन का क्या अच्छा प्रोसेस है, उसका क्या तरीका होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है, क्योंकि रेडियो जो प्लेज होते हैं सबसे टफ होते हैं, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो वनिता दी, थैंक यू दी, थैंक यू दी, शी इज द बेस्ट, बहुत कमाल की ब्रॉडकास्टर है, बहुत कमाल की ब्रॉडकास्टर। जो रेडियो नाटक है वो सबसे टफ है, क्योंकि आपने अपने शब्दों के जरिए सुनने वाले के सामने एक पेंटिंग सी बना देनी है और बनानी बनानी होगी, और अगर वो नहीं इसको समझ आया तो वो चैनल चेंज कर लेगा, और यू आर अ फेलियर। तो है। उसके यस लिए सबसे जरूरी है कि एक तो आपकी स्क्रिप्ट इंटरेस्टिंग हो, आपकी स्क्रिप्ट अच्छी हो, आपके इफेक्ट जो है ड्रामा में जो इफेक्ट हो वो बहुत सूटेबल हो, और वो जो लगे कनेक्शन, एक जो आपके दर्शक, जो आपके लिसनर है उनको आपका नाटक कनेक्ट करे। आपके जो कलाकार हैं रेडियो नाटक के, जो कलाकार हैं उनका जो वॉइस है, उनका जो डिक्शन है, उनका जो एक्सप्रेशन है वॉइस का, जो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कमाल का होना चाहिए। उसमें कोई 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 वो नहीं होगा कि चलो चल जाएगा कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी परफेक्ट
परफेक्ट तो सब जगह होना है, लेकिन बाकी जगह आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका मेकअप, आपका कॉस्ट्यूम, आपका सेट, ये चीजें हेल्प करते हैं। लेकिन रेडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज और आपकी सांसें, आपको ये पता चल करना है कि आपको ये आपकी जो सांसों का इस्तेमाल है होता है अप्रोप्रिएट सांसें, वो आपको कहाँ रखनी है, आपने कहाँ लॉफ्टर देना है, आपको कहाँ कैसा म्यूजिक यूज करना है, आपको कहाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अगर हम किसी शादी का ही हमारा सीन हो तो हम उसके साथ जो आपका अप्रोप्रिएट म्यूजिक हो, कौन सी जगह ये शादी हो रही है, साउथ इंडियन है वो नॉर्थ इंडियन है, किस तरह की शादी है, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो यहाँ मैं यानी आपको बताती हूँ कि इनका एक बहुत ही क्लासिक प्ले है, इनका मोहन राकेश का बहुत ही क्लासिक प्ले है आषाढ़ का एक दिन। तो वो इतना हाँ खूबसूरत प्ले है, इतना खूबसूरत प्ले है, उस प्ले को अगर स्टेज पे करें तो 2-2.5 घंटे का प्ले है, लेकिन उस प्ले की जो रेडियो अडेप्टेशन है वो भी मोहन राकेश जी ने ही की है, और मैंने इस नाटक को रिप्रोड्यूस किया है आकाशवाणी में। तो इतना खूबसूरत नाटक है वो, और उसमें अगर जैसे जो उसका पहला ही जो मल्लिका बोलती है कि आषाढ़ का पहला दिन और इतनी खूबसूरत वो बुलाबुल, जो भी इनका डायलॉग है उसमें, वो जो सारा जो आपने एटमोसफेयर क्रिएट करना है वो आपको म्यूजिक से, आपको इफेक्ट से, आपको वॉइस के उतार चढ़ाव से क्रिएट करना है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं होंगी आपका जो लिसनर है वो आपसे कभी भी कनेक्ट नहीं करेगा। नहीं होगा। मेरी भी बहुत मन की इच्छा है कि थिएटर को हमने स्टेज पर उसका मंचन किया है। मेरी बहुत कोशिश है कि मैं तभी ही रेडियो पे प्ले ब्रॉडकास्ट करूंगा जब वो उस लेवल का होगा, ताकि वो हमारे लिसनर को बांध ले। क्योंकि आवाजों का मकसद जो है वो बहुत सही आपने कहा। मैं उर्दू मैंने पढ़ी है, उर्दू मैं लिखना जानता हूँ, कश्मीरी भी पढ़ी है लिखना जानता हूँ। और जब भी हम प्ले करते हैं तो बाकी भारतवर्ष में जैसे उर्दू में जे का शब्द है वो और किसी भाषा में नहीं है, जरूरत और जरूरत। तो मैं इन चीजों पर भी शुरू से ही मैंने थोड़ा सा कंट्रोल रखा है, बट फिर भी जब हमारी डायलिक्ट है, जो हमारी जिंदगी की आदत है, तो वो कहीं ना कहीं हम उसको कर देते हैं। आपने बहुत सही बोला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मुझे यहां पर भी नामदेव जी की, गोविंद नामदेव जी की बात याद आ रही है कि जब तक आप परफेक्ट ना हो तब तक आप उस काम को ना करें। आप सीखें, 2 बार 3 बार 4 बार सीखें, करें उसको, तैयार करें। और जब मैं पहला नाटक प्रसारित करूंगा तो मैं काजल जी को अवश्य इन्फॉर्म करूंगा और मैं उनको ये कहूंगा कि आप मेरे क्रिटिक बनिए और आप देखें कि इसमें क्या कमी है जो हम दूसरे रेडियो प्ले में पूरा करेंगे। जी आगे की ओर बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में एक बात मैं हमेशा अपने मेहमान से पूछता हूं, और हम जब इस जगह पर होते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए हमारे गुरुओं का बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल मैं अपने बिल्कुल माता पिता को प्रणाम करता हूं, उनकी वजह से मैं आज इस लायक हूं कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। जो काजल जी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि वो अपने गुरुजन का नाम लेके उनको इस रेडियो वितस्ता के फेसबुक लाइव के माध्यम से वो क्या कहना चाहती है। मेरे जो गुरु हैं मेरे पापा मिस्टर विजय सूरी, जिन्होंने मुझे जी हाथ पकड़ के डांट डांट के मार मार के सिखाया, जी और लिखना भी उन्होंने सिखाया कि किस तरह से इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक गाने की बात है, क्योंकि मेरी मम्मी थिएटर से भी जुड़ी हैं और म्यूजिक से भी जुड़ी हैं, म्यूजिक की वो लेक्चरर भी रही हैं, गाती भी बहुत खूबसूरत है, तो गाना मैंने उनसे सीखा। क्योंकि जब आप थिएटर करते हो तो एक थिएटरिस्ट को गाना भी आना चाहिए और उसकी आवाज को भी, उसको वॉइस पे कंट्रोल होना चाहिए। तो ये मैं मेरे पेरेंट्स ही हैं जो मेरे बिगेस्ट, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्हीं से सब कुछ मैंने सीखा है। गुरुजन के बगैर हम जिंदगी में हमें रास्ता नहीं मिलता। आगे की ओर हम जब बढ़ते हैं तो एक सहारा होता है, एक ओरा, जैसे हम ओरा देखते हैं, एक ओरा होता है हमारे साथ। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, मुझे 2019 में नेशनल अवार्ड मिला जिसमें ऑल ओवर इंडिया से 25 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था, अलग अलग फील्ड की, डॉक्टर थे, सर्जन थी, मिस इंडिया थी, बहुत अलग अलग चीज महिलाएं थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया से 25 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे इसकी कोई वो नहीं थी कि मेरा सिलेक्शन होगा, जब मुझे पता चला कि थिएटर डायरेक्शन के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, और मैं किसी को भी नहीं जानती थी, इट वाज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि नेशनल अवार्ड मिला, 10th नेशनल वुमेन एक्सलेंस अवार्ड। उसके बाद 2019 में मुझे राष्ट्रीय सम्मान मिला थिएटर, और अभी इस साल मुझे जोहरा सहगल नेशनल अवार्ड मिला गया, दिया गया थिएटर के लिए। तो थिएटर ने मुझे बहुत 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 कुछ दिया है, और थिएटर डायरेक्शन की जिस तरह से आपने शुरू में बात की, तो
बहुत सारे नाटक डायरेक्ट कर चुकी हूँ, जिसमें से हीर रांझा एक ऐसा नाटक है, हब्बा खातून मैंने लास्ट में किया था, लॉकडाउन से पहले हब्बा खातून किया था, हीर रांझा, बहुत रश्मि रथी का अगर मैं नाम लूँ, दिनकर जी का, कमाल का स्क्रिप्ट है। तो इस तरह के नाटकों पे काम करना तो एक वी फील प्रिविलेज। और फोक खासतौर पे जो मेरा जेएनके का फोकस उस पे मैं, जैसे हब्बा खातून मैंने किया तो पूरा जेएनके जम्मू कश्मीर का मैंने फोकस में इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ एक ना, क्योंकि फोक से मुझे बहुत एक बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे अपनी स्टेट का फोक, जी तो मैंने यहाँ श्रीराम सेंटर में जब हब्बा ही रांझा किया तो उसमें मैंने पंजाब का फोक लिया। लेकिन जब मैंने एक नाटक था स्नेक्स एंड लेडर्स, श्रीराम सेंटर में मैंने वो किया, तो उसमें मैंने जम्मू का टोटल फोक लिया, जिसमें पाख थी, जिसमें कारगां थी, जिसमें कुड़ था, ये सारी चीजें मैंने उस नाटक में इस्तेमाल किया। तो फोक मुझे बहुत बहुत अट्रैक्ट करता, खासतौर पर जो अपनी स्टेट का जेएनके का। हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम उस खित्ते से आते हैं, हम उस जगह से आते हैं जहां पे हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स का इफेक्ट है हमारे ऊपर। डाइवर्सिटी जम्मू में डाइवर्सिटी है, जम्मू में हम डोगरी बोलते हैं और डोगरी कल्चर है, कश्मीर में जाएंगे कश्मीरी बोलेंगे और कश्मीरी फोक और कश्मीरी कल्चर, और लद्दाख में जाएंगे हमारे पास तीन तो आसपास ही है कि जिनके ऊपर हम कोशिश करेंगे तो हम उसको समझ। पहाड़ी है, गोजरी यस है, यस सब कुछ गोजरी है है, हमारे पास, यस भद्रवाही है, पुंछी है, यस अगर सब हम कुछ उस है पर हमारे जाएं। पास, तो डाइवर्स्ड है। और मैं आपको यहाँ एक कहूँ कि जैसे केमू साहब से बात हो रही थी, वो मेरे गुरु भाई हैं और उनके पिताजी पद्मश्री मोतीलाल केमू जी मेरे गुरु जी हैं, उनको नमन करता हूँ। उनकी वजह से जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने थिएटर में किया है वो सारा श्रेय उनको ही जाता है, हमेशा देता हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना है। और उन्होंने मुझे कहा कि भारत जी आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करिए, कारवां खुद बनता जाएगा। तो मैं केमू जी की बात पे आऊंगा, उन्होंने जब बात हम जब आप उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि जब आप आगे की ओर चलते हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि आप कर क्या रहे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए कि जो आप दिखाना चाहते हैं, जिस सभ्यता से आप जुड़े हैं वो आप करें तो रिजल्ट्स उसके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रेडियो के ऊपर मैं एक प्रश्न और आपसे करना चाहता हूं। रेडियो पे हम मोहब्बतें की बात करते हैं, कभी नफरतों को हम सामने नहीं लाते हैं, और नफरतों को कम करने के लिए प्यार मोहब्बतों की बातें करते हैं। आप कितना सही समझते हैं कि जितने भी प्रयत्न आप करते हैं एज ए ब्रॉडकास्टर, जब आप जॉब करती हैं या जब आप थिएटर करती हैं, आप दो शेड्स दिखाती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमारा जो 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 हमारा जो हमारा हमारी कोशिश होती है वो पॉजिटिव की ओर होती है, तो हम इस पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए कितना प्रभाव अपने समाज सोसाइटी और देश पे डालते हैं। नफरतों के लिए तो दुनिया में जगह ही नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं जी होनी चाहिए। और एक ब्रॉडकास्टर का जो मेन एम है, जो जी आकाशवाणी का जो मेन एम जी है, सब जगह बहुजन सुखाए, बहुजन हिताए, ये जो उनका एक वही मेन मोटो है आकाशवाणी का। जी और आकाशवाणी की जो रेंज है कमाल की है, गांव गांव में जहाँ पे अभी तक बिजली भी नहीं होगी वहां तक वहां आकाशवाणी पर पहुंचे। आकाशवाणी है जी कि तो आकाशवाणी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कल्चर को स्ट्रॉन्ग करने में, कल्चर को बनाए रखने में, मोहब्बत को, प्यार मोहब्बत को, भाईचारे को डेवलप करने में आकाशवाणी का कोई जवाब नहीं, नहीं कोई है जवाब नहीं। खास तौर पे अगर मैं अभी आजकल की बात करूं, कोविड के का टाइम चल रहा है और हमारा तो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, हम लोग तो ऑफिस जाते हैं, तो कई बार ऐसे आता है कि ब्लड की, प्लाज्मा की जरूरत है या कुछ ऐसा होता है। आकाशवाणी पे अगर हम एक अनाउंसमेंट करें तो अंबार लग जाता है, अंबार लग जाता है, इतने लोग आते हैं ब्लड अपना प्लाज्मा देने के लिए। तो एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि ये आजकल के दौर की, तो आकाशवाणी तो मुझे, मैं कह रही हूँ कि अलग ही दुनिया है, अलग ही, तो चाहे जितने भी प्राइवेट चैनल्स आए कुछ भी हो, आकाशवाणी का मुकाबला नहीं है, ये बात तो मैं मानती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी हमारे देश की ड्राइविंग फोर्स है। कोई जी भी जो ऑथेंटिक चीज है, मुझे भी सौभाग्य मिला है कि मैं ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में गया हूँ, मेरे दोस्त हैं वहां पे, मैं गया हूँ और मुझे पता है कि जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जब हम लोगों तक पहुंचते हैं, हमारे आप लोगों की आवाज पहुंचती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो किसी चीज पर एशिया गौरव का, भी करें ना करें। एशिया का सबसे बड़ा स्टूडियो नेटवर्क है आकाशवाणी दिल्ली में। यस 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 आई एग्री टू दैट, और हम सैल्यूट करते हैं उस पूरी संस्था को और जो एक चीज और, हेरिटेज बिल्डिंग में आता है, जो पुराना ओल्ड ओल्ड भी अच्छे है, वो हेरिटेज बिल्डिंग में आता है जो अंग्रेजों ने बनवाया था, और इसी बिल्डिंग में महात्मा गांधी 12 नवंबर मैं जो भी इस दिन था उसमें आए थे। गया हूं और वहां भी मैं गया हूं, जी मैंने विजिट किया वहां पे। इसके साथ ही आपके शो में एक बहुत ही काबिल ब्रॉडकास्टर आई थी, सुमन पाल जी, जी
जो आपका 100th एपिसोड था, जी बिल्कुल उन्होंने कहा आप जब बच्चों का प्रोग्राम कर रही थी जी तो उनके निर्देशक जो थे उन्होंने कहा कि चलो हमारे पास और भी बाकी युवा हैं, उनको भी हमें चांस देना चाहिए। तो उन्होंने एज यूजुअल सोचा कि चलो काजल जी ने 8 शोज किए, 2 शो हम किसी और को बुलाते हैं, फिर काजल जी को बुलाएंगे। तो उन्होंने एक बात वहां पे की, जब बच्चे आए उन्होंने बोला काजल दीदी नहीं है, और बच्चे स्टूडियो में नहीं गए, वो बाहर ही रहे। इसके बारे में थोड़ा बताएं क्या महसूस था और कैसा लगा नहीं, कि... मैं यार क्या मैं ये कहूंगी, सब तो खैर, लेकिन ये रूल है कि आप अगर काम कर रहे हो, आप एक वो होता है कि आपको इतनी ड्यूटी से ज्यादा, जो भी कैजुअल होते हैं उससे ज्यादा ड्यूटीज नहीं कर सकते, तो ये तो जो कुछ रूल्स होते हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग में तो गवर्नमेंट जॉब में ऑफिसेज में चलना ही पड़ता है। जी, मेरा सवाल ये था कि आपके उस समय मन में क्या आया कि बच्चों ने काजल दीदी के बारे में क्या सोचा, और वो कहते कि खुशी काजल खुशी दीदी नहीं है तो हम अंदर नहीं जाएंगे। खुशी जो खुशी उस वक्त मिली उसका तो मैं शब्द में क्या बयान करूं, जैसे कहते हैं नहीं, कुछ बातें आप चुप कह के बहुत कुछ बहुत खूबसूरती से बयान कर सकते हो, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत ही खुशी मिली कि इतनी मोहब्बत जो मिलती है ना, वो वाकई किसी भी, वो एक बहुत बड़ा आपके लिए अवार्ड है, बहुत बड़ा वही अवार्ड है वो। सबसे बड़ा एजाज वही है हम सबके लिए। और बिल्कुल, सरला मेहता जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सरला जी बहुत आपका बहुत 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 शुक्रिया, स्वागत। डॉक्टर हैं और कमाल की एक्ट्रेस हैं, आकाशवाणी से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी सरला जी सरला आपका। जी के बारे में आपके मुख से मैंने हर शो में हमेशा सुना है और वो हमेशा जुड़ी रहती हैं। सरला जी आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो विदसा के इस लाइव शो में। और आज हमारे मेहमान तो मुझे लग रहा है मैं ही हूं, और आज भी जो जो होस्ट है वो काजल जी ही है, और हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल रशीद वानी, ये मेरे क्लास फेलो हैं कश्मीर से। वो कहते हैं कि वेरी गुड गोइंग, कीप इट अप। और काजल जी अभी हम कोशिश करेंगे कि आप को हम आज ज्यादा देर इस शो में नहीं रोकेंगे, क्योंकि अभी आपको अगली जी तैयारी भी करनी है, पर कुछ मेरे मन में कुछ दो तीन और बातें हैं वो मैं पूछूं आपसे, और उसके बाद जी अगला प्रश्न मैं आपसे जी करूंगा। एजाज, प्राइजेस, इनाम, सम्मान कितना जरूरी है और कितनी ऊर्जा हमें इससे मिलती है, और क्या ये हमारे मनोबल पर असर करता है? बिल्कुल भैया, एक चीज तो ये जरूर कहूंगी कि जैसे शख्सियत की मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं ये बात भी हमेशा कहती हूँ कि हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत है, जी हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, हर जी इंसान अपने आप में एक कहानी है, एवरी स्टोरी इज अस, दैट इज द थिंग्स जो मैं मानती हूँ। और अवार्ड्स वाकई आपकी हेल्प करते हैं, दे कीप्स यू गोइंग, आपको पैसा इतना वो नहीं करता जितना आपको अवार्ड्स मिलने पे खुशी मिलती है, और आपके अंदर ये एनर्जी आती है कि आपको और अच्छा काम करना है, आपको और अच्छा काम करना है, तो ये अवार्ड्स तो आपको, दे कीप्स यू गोइंग, दे जस्ट कीप्स यू गोइंग। इस समय मुझे याद आप है, कि अभी पंजाबी एकेडमी दिल्ली में एक फेस्टिवल हुआ था विमेन डायरेक्टर्स का, तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया से 5 महिलाओं का सिलेक्शन किया था एज ए विमेन डायरेक्टर, जो उनके लिए काम करना था जिन्होंने, तो उनमें से एक मैं भी थी, मुझे भी उन्होंने चूज किया था, तो ये भी किसी अवार्ड से कम नहीं है कि नॉर्थ नहीं, इंडिया में इतने लोगों का सिलेक्शन किया, उसमें एक आप भी हैं, ये भी आपके लिए एक अवार्ड ही है। डेफिनेटली जो जो आपका काम देखा जा रहा है, जो जो शिद्दत, हम कहते हैं एक डायलॉग है छोटा सा जिसमें हम कहेंगे कि शिद्दत से हम जो भी कुछ पाना चाहें वो हमें जरूर मिलता है। तो वो शिद्दत बिल्कुल आप में है, जैसे जुनून फॉर जुनून, मैंने कहा जुनून के लिए जुनून चाहिए, वो है आप में। और उसी चीज, और जो स्माइल आपके मुख पर है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बयां करती है उस मेहमान के लिए भी, और उसको कंफर्टेबल भी करती है ताकि वो बहुत अच्छे से बोल पाए। पर आपके शो में तो इतने बड़े कलाकार हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हम हमारे शो में अभी उस लेवल पे हैं कि हम उनको बुला पाए। नहीं, खैर, मैं आपसे ये बात मैं बोल चुकी हूँ कि हर इंसान अपने आप में एक कलाकार है, क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ता है, तो किसी का हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप कला के किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप में एक शख्सियत है, जी हर इंसान, और हर इंसान की एक अपनी कहानी होती है, काजल जी एवरी स्टोरी आपकी एक दैट। काजल जी आपकी फरमाइश आई है हमारे नरेश शर्मा जी की ओर से। वो कहते हैं कि कुछ गुनगुनाएंगे काजल जी रेडियो वितस्ता के श्रोताओं के लिए। आज पूछता हूं शर्मा जी, देखते हैं कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब आपने अगर सोचा है, आपके मन में आई है ये बात, तो जरूर अगर आज आप मेरे साथ शो में होते तो हम दोनों ये सवाल करते हैं। आपने सवाल वहां से किया, आपके बदले मैं ये सवाल करूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस समय जितने भी आप इन शोज के बगैर
थिएटर और बाकी जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, किन के साथ और क्या प्रोजेक्ट्स क्या ऐसे हैं जो अभी अंडर प्रोसेस है, जिन पे आप काम कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं कि हम थिएटर ही करते हैं दिल्ली में, और हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, हम लोग एक ग्रुप है जो अलग अलग जॉब करते हैं और शोज करते हैं, खुद इकट्ठे मिलके करते हैं, तो वो तो जी अभी आजकल नहीं हो रहा। लेकिन आकाशवाणी तो मेरा प्रोफेशन है, एंड आई एम जी ब्लेस्ड, जी तो मेरा पैशन है नाटक, जी मेरा पैशन है और नाटक ही मेरा प्रोफेशन है। आकाशवाणी में मैं नाटक ही देखती हूँ, तो ऑफिस तो चलता ही है, बाकी शख्सियत जी चल रहा है। शिक्षण चल रहा है बड़े अच्छे से। सरला जी कह रही हैं शिद्दत है काजल में हर काम के लिए, और बहुत एंडोर्स बहुत कर रही शुक्रिया। हैं, एंडोर्स कर रही हैं। और कहीं ना कहीं सरला जी, हम भी एनर्जेटिक हो जाते हैं जब हम आप लोगों को काजल जी के शो में देखते हैं, और जब आप कमेंट्स करते हैं आपके बारे में जब पता चलता है तो हमें भी एनर्जी मिलती है। हमारे साथ मुझे स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है जब सरला जी और बाकी जो व्यूअर्स में हमारे मेरे शो में होते हैं, तो ये जो व्यूअर्स होते हैं वो आपको एक बहुत मॉरल सपोर्ट देते हैं, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जी जी संजय तिकू जी है जम्मू से, वो कहते हैं कि मैं नेत्रा तिकू, नमस्कार मैडम जी, माई ड्रीम टू परफॉर्म ऑन आकाशवाणी। नेत्रा तिकू एक स्पेशली एबल्ड चाइल्ड है, उन्होंने हमारे साथ भी ये शो यहाँ पे किया है। वो एक सिंगर है जम्मू से, और ये इनके पिताजी हैं संजय तिकू जी, और वो ये कहती हैं कि मैं नेत्रा तिकू, नमस्कार मैडम जी, माई ड्रीम टू परफॉर्म ऑन आकाशवाणी। तो नेत्रा, जरूर जब आप दिल्ली की ओर चलेंगे तो आप मेरे से काजल जी का नंबर मांगिएगा, तो मैं आपको दे दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर जी दीजिएगा। नरेश शर्मा जी कह रहे हैं आपकी आवाज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत बहुत है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब नरेश शर्मा जी यहाँ आवाज देते हैं तो वो शुरू ही इससे करते हैं कि आवाज की दुनिया के, तो वो आवाज को अच्छे से पहचानते हैं। हमारे साथ मुनीश पुंज जुड़े हैं जो अम्बाला से है। प्रोग्राम के एंड में एक सॉन्ग रेडियो वितस्ता के लिए, हम सबके लिए, और ये फरमाइश तो आई, और सरला जी भी कह रही हैं सच में। अब मैं समापन की ओर हूं इस कार्यक्रम में। मेरा मन नहीं करेगा इस कार्यक्रम को समाप्त करने का, क्यों, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है, पर आपको आगे भी जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम चाहिए बीच में। मैं आपको मैं सभी जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनको, उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि अगर वक्त हो तो हमारा शख्सियत आज रात को 8:30 बजे है रूबरू के पेज पर, रूबरू पेज जिसमें रूबरू पर रूबरू थिएटर के पेज पर, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी पद्मश्री प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी, जो बेगम अख्तर साहिबा की आखिरी डिसाइपल रही हैं। तो जी जी जुड़िएगा हमारे साथ अगर आप लोगों के पास वक्त हो। जी जी मैं एक बार फिर कह दूंगा जो काजल जी कह रही हैं, आपको फेसबुक में जाके रूबरू थिएटर सर्च करना है, उस पेज को आपने लाइक करना है। तो जब काजल जी लाइव होंगे और वहां पे काजल जी होस्ट होंगी, अभी इस समय हमारी ये आदरणीय मेहमान है, और जब आप उस शो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शो में बहुत सारे पूरे देश के और विदेश के लोग जुड़ते हैं और बहुत कुछ सीखने को वहां मिलता है। मैं काजल जी अब आपको काम से लेके आपकी निजी जिंदगी पर ले आता हूं। जब आपने 100वां एपिसोड किया, उसके बाद आपने कहा कि जब आपने शख्सियत का पहला शो किया था उसमें निर्मला धर जी आपकी गेस्ट थी, और 101वां शो यानी कि दूसरा सेशन का आपने पहला शो किया उसमें निर्मला धर जी थी, तो ये मैंने कल ही नोट किया था जब वो शो चल रहा था। निर्मला धर जी ने जब आपके पिताजी आपके पिता का जिक्र किया, आप बहुत उस समय भावुक हुई, आपने कहा कि मेरे शब्द इस समय नहीं हुए। और कितना अच्छा लगता है जब हमारे पिताजी, हमारे माताजी के बारे में उनका अच्छा किया हुआ हमारे लिए कितना वो इंपॉर्टेंट होता है, और किन यादों में आप उस समय गई थी। शायद अगर आपने उस समय वो चीज नहीं बयान कर पाई तो मैं चाहता हूं कि आप ये जरूर कहें, और ये सब लोगों के लिए प्रेरणा है कि वो अपने माँ बाप की इज्जत करें, वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स की, बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और उनके आशीर्वाद से ही अगर हम जिंदगी में कुछ करते हैं तो हम आगे कर पाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके उस समय मन के भाव क्या क्या थे, वो मैं जानना चाहता हूं। मैं यही जरूर कहना चाहूंगी कि मैं जो कुछ भी हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से ही हूँ, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। और मेरे जो पापा हैं श्री विजय सूरी, उनको जम्मू में जम्मू कश्मीर एज लेजेंड के तौर पर कहा जाता है, क्योंकि जैन के अकेडमी फॉर आर्ट कल्चरल लैंग्वेजेस में जहाँ सारे लेजेंड्स की पिक्चर लगी है उसमें मेरे पापा का भी एक नाम है। और जी जम्मू में बहुत सारे लोग, चाहे सिनेमा से जुड़े हों, रंगमंच से जुड़े हों, टेलीविजन से जुड़े हों, वो मेरे पापा को गुरु मानते हैं, और मेरे तो खैर वो गुरु हैं ही। तो इसलिए जब जब जो जो भी मेरे पापा के बारे में जब बात करते हैं तो वो मेरे
बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है मेरे लिए, और एक प्राउड फील होता है कि मैं उनकी डॉटर हूँ और मेरे साथ साथ वो बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। जैसे निर्मला जी ने भी कहा कि हमें पिता का प्यार भी मिला और काम भी किया और सिखाया भी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती। मैं भी ऐसा महसूस करता हूँ जब मेरे पिताजी के बारे में, क्योंकि निर्वासन के हमारे 31 साल हो गए, 30 साल पूरे हो गए, हम 31वें साल में हैं और हम उस धरती पे अभी तक रहने के लिए, बसने के लिए नहीं जा पाए। तो हमारे पिताजी, हमारे पेरेंट्स को वहां के लोग जानते थे। आज भी मुझे अगर अपने पिताजी के बारे में कोई भी बात कहता है तो मैं वाकई उस समय भावुक होता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो उनको जानते हैं। जहां पे हम 30 साल गुजारे वहां पे उनकी जो जानकारी है लोगों को नहीं है। खैर, मैंने घर का बिल्कुल नाम भी उनके नाम पे रखा ताकि जो चलता हुआ व्यक्ति हो वो कम से कम उनका नाम एक बार मन में स्मरण बिल्कुल, करे और हम तो आगे की ओर। इसलिए यहाँ मैं रोकूंगी क्योंकि शख्सियत का जो मेरा दूसरा अंक है, जी मेरे मेरे पापा के नाम पे एक विजय सूरी फाउंडेशन के नाम से फेसबुक पे एक पेज, विजय सूरी फाउंडेशन के नाम से, जी जिसमें बहुत जी सारी थिएटर से जुड़ी एक्टिविटीज होती हैं। और अभी जो शख्सियत सीजन 2 शुरू किया है मैंने, वो रूबरू थिएटर और विजय सूरी फाउंडेशन दोनों ने मिलकर ये शख्सियत का सीजन 2 स्टार्ट जी किया है। जी 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 इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं डिगबोई आसाम से सुचंद्रा भट्टाचार्य जी। ये एक गजल लेखक है, गजल सिंगर है। इनका शो भी हमने अभी कुछ समय पहले किया। वो आपको कह रही हैं, गुड इवनिंग मैम, आई जॉइंड नाउ, लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स फ्रॉम आसाम। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ टन, थैंक यू। अब हम इस प्रोग्राम के समापन की ओर है। जैसे आप हमेशा क्वेश्चन करती हैं और वही क्वेश्चन मैं भी यहाँ पे करूंगा। और सरला जी लिख रही हैं, लाइक फादर लाइक डॉटर। यस, इसमें सरला जी कोई भी शंका नहीं है और आवाज उनकी बुलंद, जैसे उनको जम्मू के थिएटर का पिता माँ कहा जाता है, जैसे आवाज उनकी थी वैसी काजल जी की भी है। और उसके साथ आकाशवाणी के साथ जुड़े हैं तो वो आकाशवाणी वाकई होगी। और कल जो आपके साथ गेस्ट आपसे जो प्रश्न कर रहे थे 100वें एपिसोड में, उन्होंने ये कहा कि काजल जी आपको एक नया आसमां बनाना चाहिए और उस आसमां की उड़ान के लिए आप चल पड़ी हैं। तो कितना अच्छा लगता है कि जैसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि जो इमेजिनरी है, जो जो शायद हम नॉर्मली कहीं लिखा नहीं होता है कि अब हम नया आसमां बनाएंगे फिर हम उसकी वो उड़ान भरेंगे। तो कैसा लगता है ये सब कुछ सुन के? कभी नहीं सोचती, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जब काम शुरू करती हूँ मैं ये कभी नहीं सोचती कि इस काम से मुझे क्या मिलेगा, मैंने ये कभी आज तक नहीं सोचा। मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको फिर कहूंगी कि मैं स्ट्रॉन्गली इस बात में बिलीव करती हूँ कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, और कोई भी काम अगर मैं लेकर चलती हूँ तो मुझे, मैं नहीं सोचती कि इस काम से मुझे ये मिलेगा। मुझे यहाँ किरण, विदुषी किरण सहगल जी, जोहरा सहगल की डॉटर हैं, बहुत बड़ा नाम है, पद्मश्री हैं, तो उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बात कही, वो मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि एक वक्त आता है जब आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके साथ लोग नहीं है, कोई नहीं है आपके साथ काम करने के लिए, तो जब आपको तब लगता है कि आपके साथ जब कोई नहीं है तो देर इज ऑलवेज लाइट, एक अंधेरी गुफा के बाद एक रोशनी होती है, तो जी जी वो चीज होती है, लेकिन कीप ऑन गोइंग, एंड जो आपका एक पैशन है उसको कभी भी मरने मत दें, और जी पॉजिटिविटी जो है उसको कभी भी हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि थिएटर जो है इट्सेल्फ इज अ मेडिटेशन, इट इबादत है थिएटर। कोई इबादत भी परफॉर्मिंग आर्ट, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट, अपने आप में एक मेडिटेशन है, और ये वक्त बहुत सही है अपनी हॉबीज को जिंदा करने के लिए, क्योंकि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में हम कहीं पीछे रह गए थे, मशीन बन गए थे, और हमें शायद ऊपर वाले ने फिर से मौका दिया कि रुक जाओ और अब इतना मत भागो, तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन, लेकर, हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करो कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे फरमाइश आई है कि काजल जी से वो कुछ सुनना चाहते हैं, वो हम जरूर सुनेंगे और उसके साथ ही इस प्रोग्राम का, इस लाइव शो का हम समापन करेंगे। बट उससे पहले हमारी एक प्रथा है इस कार्यक्रम में, मैं चाहता हूं कि जो वीर जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, जिन वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है देश की सुरक्षा के लिए, और जो इस समय बॉर्डर पर तैनात है, कार्यरत है, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, अब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक ही वर्ड कहूंगी, सल्यूट, जी, सल्यूट, उसके अलावा क्या कहूँ, सल्यूट से बड़ा क्या क्या हो सकता है, सल्यूट से थैंक यू बड़ा सो कुछ मच, नहीं हो थैंक सकता। यू सो मच, क्योंकि उनको हम हमेशा याद करते हैं और हमेशा हमारे मन में उनके लिए बहुत सम्मान और आदर है। और मैं इस शो के माध्यम से हमेशा कहता हूं कि हम और पूरा देश आप लोगों के साथ है। और इसके साथ ही मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, और
उससे पहले, आपको जाने से पहले, जो शर्मा जी ने और बाकी लोगों ने फरमाइश की, आप कुछ सुनाइए और उसके बाद हम इस प्रोग्राम का समापन करेंगे। कश्मीरी या डोगरी? जो आपके मन के नजदीक है, अगर आप डोगरी सुनाएंगे, मुझे लग रहा है कि उसका कुछ अंश यहाँ के लोगों को भी समझ आएगा। जी कश्मीरी भी सुनेंगे अगली बार, पर इस समय डोगरी में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। डोगरी का फोक है, वही जी जी सुनाऊंगी, मेरा जी जी बहुत बहुत प्लीज फेवरेट है, वही सुनाती प्लीज हूँ। प्लीज। रजोरिया चन माड़ा चढ़ाओ पर रजोरिया, बनी जाया पखरु ते मिली जाया चोरिया, बनी जाया पखरु ते मिली जाया चोरिया, मिलना जरूर मेरी जान हो, बड़ा गे बसोस मेरी जान हो। बहुत खूब ऑसम। और इसके शुक्रिया। साथ ही मुझे जिज्ञासा रहेगी काजल जी से, जब हम दोबारा रूबरू होंगे तब कश्मीरी आपको जरूर गाना पड़ेगा, क्योंकि तो वो मेरी मदर टंग है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मदर टंग लास्ट में हो और सबसे पहले मैं बाकी कल्चर्स का रिस्पेक्ट करूँ, उनका सम्मान कर दूँ। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो आपको कह रहे हैं, संजय तिक्कू जी कह रहे हैं हैट्स ऑफ काजल जी, काजल जी और नेत्रा लव दिस सॉन्ग एंड इट इज हर फेवरेट सॉन्ग। मेरी सिस्टर थैंक जम्मू से गिरजा भट्ट, वो कहते हैं कि वेरी नाइस। और शुक्रिया शर्मा जी भी, आपको मैं लास्ट कमेंट दे दूं, शुक्रिया वाह वाह, थैंक यू सो मच काजल जी शुक्रिया एंड भारत जी। इसके शुक्रिया साथ ही और सरला जी भी कह रही हैं कि सो मेलोडियस। इसके साथ ही मैं इस लाइव सेशन का समापन करता हूं। आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आज आपने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दिया कि मैं काजल जी से कुछ प्रश्न कर सका। अगर कुछ त्रुटि रही होगी तो उसके लिए क्षमा। अगली बार बहुत कोशिश करूंगा कि पूरी शुक्रिया परफेक्टली आऊं और आपको, बहुत आपका शुक्रिया, अभिनंदन करूं। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आप सुन रहे थे ये चर्चा, और ये चर्चा थी हमारे आज के मेहमान काजल सूरी जी के साथ। और ये बात कितनी सार्थक रही इसके बारे में आप हमें बाद में भी कमेंट्स में बता सकते हैं। और मुझे आशा है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं और उसके जीवन के बारे में हम जानते हैं तो एक अलग सी पहचान होती है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम का करता हूं समापन। मेरी ओर से, रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।